नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, सरसों की वैरायटियों की लास्ट वीडियो अपनी है लगभग, है क्योंकि अभी सरसों का बीजान बिल्कुल चालू हो चुका है। तो अब जाहिर सी बात है कि बहुत से किसान साथियों ने तो बीज ले चुके होंगे, जिन लोगों ने नहीं लिया उन लोगों के लिए वीडियो बन रही है। तो वीडियो में हम बात करेंगे बिरानी क्षेत्र के लिए लेट किस्में और अगेत किस्में और नहरी किस्में, जो सारी टोटलें किस्में रहेंगी वो सारी सरकारी अनुसंधान केंद्रों से, सरकारी यूनिवर्सिटियों से जो रिसर्च बीज हैं, जो फाउंडेशन बीज हैं, उन्हीं पे हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो सरकार जिस बीज को तैयार करती है किसानों के लिए, प्राइवेट कंपनियों की हमने पहले काफ़ी वीडियो बनाई है, ये हमारी लेटेस्ट वीडियो जो रहेगी, इसमें हम टोटली इन्फॉर्मेशन बात करें। सरसों की बिजाई के लिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा 26 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो सही है। समय की बात करूँ तो आज 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर से आप सरसों की बिजाई शुरू कर सकते हैं। कुछ साथियों ने एक दो दिन पहले स्टार्ट कर दिया, कुछ दो चार दिन बाद स्टार्ट करेंगे। मेरे गंगानगर क्षेत्र में सूरतगढ़ का जो क्षेत्र है, रायसीनगर का क्षेत्र है, रिडमलसर का क्षेत्र है, ये जो काफ़ी क्षेत्र है जो टिब्बे क्षेत्र का है। हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी टिब्बा बेल्ट है और टिब्बे बेल्ट के किसानों के काफ़ी फ़ोन कॉल आ रहे हैं, भाई हम कौन सी वैरायटियां बोए। तो सबसे पहले मैं आपको बिरानी क्षेत्र के लिए बता देता हूँ, RJN 298 आप लगा सकते हो, RJN 229 लगा सकते हो, RJN 48 वैरायटी लगा सकते हो। और लेट बिजाई अगर आप करें तो लेट बिजाई में आप RJN 146 और RJN 236 वैरायटी आप है लगा सकते हो। और बीज की मात्रा आपको रखनी है 600 ग्राम से लेके 700 ग्राम तक प्रति बीघा, यानी कि राजस्थान का जो बीघा है 165 फीट लंबा और 165 फीट चौड़ा, उसमें बीज की मात्रा ये रखनी है। मेटालिस्टली से आपको बीज उपचारित ज़रूर करना है, क्योंकि इस दवा से अगर आप बीज उपचारित कर लेते हो तो इसका लाभ आपको सरसों में जो सफ़ेद रोड़ी बनती है या सफ़ेद मोड़ी बनती है उसमें ये बीमारी नहीं देखने को मिलेगी, अगर आप मेटालिक्सल से दवा से बीज उपचारित कर लेते हैं तो। हालांकि बीज आप फंगिसाइड केमिकल्स दोनों से करना चाहिए आपको, ताकि आप में सरसों में किसी भी प्रकार की बीमारियां ना आए और पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो उसके साथ ही। मुख्य रूप से क्या है कि चैत की जो बुआई है वो 15 नवंबर तक हमें कर लेनी चाहिए, उसके बाद सरसों लेट ही लेट है। सरसों की अगर मैं बात करूँ अपने नहरी क्षेत्र की वेराइटी के लिए तो HR 749, HR 725, RJN 13, पूसा बोल्ड और लक्ष्मी, ये वेराइटियाँ नहरी क्षेत्र के लिए बेहतरीन हैं, जो पिछले सालों में किसानों ने लगाई हैं और उनके अच्छा रिजल्ट मिला है। मुख्य रूप से साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा सरसों एक ऐसी फसल है जो 100-105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके मुकाबले अगर आप गेहूँ लगाते हैं तो गेहूँ 120 दिन में पक के तैयार होगी। सरसों में मात्र आप 2-3 पानी में आप परफेक्ट पका सकते हैं और गेहूं में आप 6-8 पानी में पकाएंगे। तो जिन साथियों के पानी की थोड़ी किल्लत है वो साथी सरसों की ओर ध्यान दें। दूसरा रीज़न मैं आपको बताना चाहूँ सरसों लगाने का, सरसों का अगर हम भाव 5500 रुपये माने और 5 क्विंटल बीघे की एवरेज माने तो हमारा सरसों का बीघा जाएगा तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये एक बीघे की इनकम होगी हमें, जिसमें आप खर्चा देख लो भाई आपका दो पानी का कितना है आएगा, यूरिया डीपी का तो थोड़ा बहुत आता है, गेहूं के मुकाबले खर्चा इसमें कम आता है। गेहूं की बात करूं तो गेहूं हमारी 120 दिन में पक्के तैयार होने वाली है, 6-8 पानी लगेंगे और अगर हम 12 क्विंटल एवरेज मान लेते हैं और हम 2200 रुपये पर क्विंटल के भाव मान लेते हैं तो हमारी 20-25 हज़ार रुपये तक ही गेहूँ होगी। तो कुल मिला के अगर बात करूँ तो सरसों की फसल है वो हमें लाभदायक है। अगर सरसों के भाव 7,000, 8,000, 9,000 वाले देखने को मिले तो भाई सोने पे सुहागा है, अच्छे किसानों को अच्छे भाव मिल सकते हैं। वर्तमान समय में साथियों, जो सरसों की आप बुआई कर रहे हो, कौन सी किस्मों की बुआई कर रहे हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कौन से क्षेत्र में कौन सी किस्म, नहरी, बिरानी, लेट, अगेत, सारी अगर कमेंट करते हैं तो दूसरे साथियों को वेराइटी चेंज करने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है, क्योंकि आपकी कमेंट से बहुत से किसानों को हेल्प होगी। कुछ किसान साथी इस चक्रों में रहते हैं कि भाई मैं कौन सी वैरायटी लगाऊं, कौन सी नहीं लगाऊं, कौन सी कितना उत्पादन है, कौन सी क्या स्थिति है। तो मैंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप भी अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो दूसरे साथियों के साथ आगे बढ़ाएं, और वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमियाँ रहें तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, ताकि आने वाले समय में उन कमियों में सुधार किया जा सके।
इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ एंड, और मिलेंगे अगली वीडियो में गेहूँ की नई वैरायटियाँ, रिसर्च वैरायटियाँ, प्राइवेट वैरायटियाँ, सभी वैरायटियों पे अपने चर्चा करेंगे। तो जो भाई चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।